नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम किशन और आज मैं आपके लिए बहुत ही खास एक टॉपिक लेके आया हूँ। जो भी डेकोरेशन का काम खोलना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, यह वीडियो उनके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। और इस वाली वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल पर लास्ट तक बने रहिए। आइए वीडियो को चालू करते हैं। जैसा कि गाइस, हमने अपना बैकड्रॉप में अपना फ्रेम खड़ा कर दिया है। इस तरह से आप भी फ्रेम खड़ा कर सकते हो। जो बड़ा वाला जो साइज है हमारा फ्रेम का, मेन सेंटर में इनका साइज रहेगा आपका 4x8 का। इस वाले फ्रेम का आपका रहेगा 4x7 का और इस वाले फ्रेम का साइज रहेगा 4x7 का। इस तरह से आप अपना फ्रेम बनवा सकते हो और काफ़ी प्यारा फ्रेम है और बहुत ही अच्छी आज डेकोरेशन होने वाली है। मेरे चैनल पर एंड तक बने रहे। जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जैसे कि गाइस, आपको इस तरह का कपड़ा दिखाई दे रहा होगा, यह हमारा क्रेप कपड़ा या चुन्नी वाला कपड़ा आप इसे बोल सकते हो। इस कपड़े का जो अर्ज है ये आपका 3 फीट और इसकी जो लंबाई है वो आपका 100 मीटर 150 मीटर 120 मीटर 125 मीटर के थान आते हैं। इसके बड़े बड़े थान आते हैं। इस तरह से आप अपनी डेकोरेशन के लिए कपड़ा खरीद सकते हो। अगर इसके प्राइस की बात करो तो आपका इसका 1850 रुपये मीटर के हिसाब से, 1850 रुपये मीटर के हिसाब से आपको इसका प्राइस मार्केट में मिल जाएगा। जैसा कि गाइस, मैंने ऊपर कपड़ा लगाया है वैसे ही कपड़े को मैं नीचे लगाऊंगा इन तारों की मदद से। इन तारों का ही सबसे ज़्यादा खेल होता है इसमें डेकोरेशन में। आज मौसम बहुत ही ख़राब है और बारिश जैसे चांसेस है। 2 दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि 2 दिन से हमारे यहाँ पे मथुरा में बारिश पड़ रही थी पर डे का। जैसा कि गाइस, हमने अपने फ्रेम स्टैंड में कपड़ा लगा के कंप्लीट कर लिया। आप भी इस तरह से कपड़ा लगा सकते हो, बट मैंने यह कपड़ा प्लान खींचा है। आप चुन्नट डाल डाल के कपड़ा लगा सकते हो, बहुत ही प्यारा रहता है जब चुन्नट में कोई भी काम करते हो तो। बहुत ही प्यारे आज डिज़ाइन निकलने वाली है। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे भी मैं आपको बहुत ही कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे कि आज आपको इस तरह का येलो कपड़ा दिखाई दे रहा होगा, इस तरह का येलो कपड़ा आज मैं इसमें यूज करने वाला हूँ। आप इस तरह से येलो कपड़ा यूज़ कर सकते हो। इसका पूरा आर्ज है आपका 3 फीट। आप इसे 3 बार मोड़ोगे और इतनी प्यारी छोटी सी पट्टी आप बना लोगे। इस तरह की छोटी पट्टी बना के इसमें यूज करोगे। आज मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। जैसे कि गाइस, मैंने अपने फ्रेम में क्रॉस वाला डिज़ाइन बना दिया। आप भी इस तरह से क्रॉस वाला डिज़ाइन बना सकते हो या आपके दिमाग में कोई भी दूसरा आइडिया हो इस तरह से डेकोरेशन करने का, तो आप उस तरह से भी आप अपने फ्रेम में डेकोरेशन कर सकते हो।
आज बहुत ही प्यारी डेकोरेशन होने वाली है। लोग नया डेकोरेशन का काम खोलना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आया हूँ आज मैं, और मेरी वीडियो के एंड तक बने रहें। जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जैसा कि गाइस आपको इस तरह का चटाई या मैट दिखाई दे रहा होगा, इस तरह का मैट अगर आप बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को एंड तक देखें, आपको तो बहुत ही प्यारी एक मैट दिखाई दे रही होगी जो मेरे हाथ में लगी हुई है। इस तरह का मैट आज मैं इस डेकोरेशन में यूज करने वाला हूँ। आप भी इस तरह का मैट अगर बनाना सीखना चाहते हैं तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि गाइस आपको बैग में जो दिखाई दे रहा है जाली, इस तरह की जाली आप इस वाली मैट पर यूज़ कर सकते हो। इस तरह की जाली से आप इस तरह की मैट बना सकते हो, बहुत ही प्यारी मैट है। आप कोई भी कलर इसमें ले सकते हो, मैंने इसमें रेड और पीच कलर का इस्तेमाल किया है। आप भी अपने मनपसंद कोई भी कलर इसमें यूज कर सकते हो, और एक बार बनाने के बाद ये काफ़ी सालों तक चलती है, बहुत ही प्यारी मैट है। इस तरह से आप मैट बना सकते हो, इस तरह की मैट काफ़ी जगहों पर यूज होती है। आप भी इस तरह की मैट अपनी डेकोरेशन के लिए बना सकते हो, और मेरे चैनल पे अपलोड है वह वीडियो, आप देख सकते हो मैंने किस तरह से यह मैट बनाई है। अगर इस मैट का साइज़ की बात करूँ तो आपका यह 4x10 का मैट है। आप इस तरह से मैट बना सकते हो, बहुत ही प्यारी मैट है। और इसमें मैंने इस तरह की आपको जाली दिखाई दे रही होगी, इस तरह की जाली मार्केट से 25 मीटर का एक बंडल आता है जो आपको 1500 से 1600 रुपये का आपको मिल जाएगा। इस तरह का जाली का बंडल आता है जो आपको आमतौर पर आप जानते हो कि जो कूलर वगैरह होते हैं उसमें यूज होती है इस तरह की प्लास्टिक की जाली। मैंने इसी जाली पर इस तरह का मैट बना के आपको दिखाया। इस तरह का मैट आप अपनी डेकोरेशन के लिए बना सकते हो, बहुत ही प्यारा मैट है। और मेरे चैनल पर इसका फुल वीडियो पर अपलोड है, आप वहाँ से वीडियो देख के इस तरह का मैट बनाना सीख सकते हो, और अपनी डेकोरेशन के लिए बहुत ही प्यारी प्यारी मैट अपने डेकोरेशन के लिए बना सकते हो। आज इस वाली स्टेज पर मैं इसी मैट का यूज़ करने वाला हूँ, आपको दिखाई दे रही बहुत ही प्यारी मैट है, और बहुत ही आसानी रहती है इस तरह की मैट बना के डेकोरेशन करना। आप भी अपनी डेकोरेशन के लिए इस तरह की मैट बना सकते हो, और मेरे चैनल पे इसका वीडियो अपलोड है, वहाँ से आप इसे देख सकते हो और इस तरह की मैट बनाना सीख सकते हो। जैसा कि गाइस आपको मेरे पीछे बैकड्रॉप में जो स्टेज दिखाई दे रही है, मैंने बहुत ही प्यारी स्टेज आपको बना के दिखा दिया, बट अभी इसमें बहुत सारा काम बाकी है। देख सकते हो इतनी प्यारी मैट है, आप भी बनाना सीख सकते हो अपनी डेकोरेशन के लिए। मेरे चैनल पे इसका फुल वीडियो अपलोड है, वहाँ से आप इस तरह की मैट बनाना सीख सकते हो। तो काफ़ी प्यारी मैट है, आप कोई भी कलर इसमें, कोई भी कांडेशन इसमें, कोई भी फूल इसमें आप भर सकते हो, और अपनी मनपसंद का डिजाइन दे के इस तरह की आप मैट बना सकते हो। काफ़ी जगहों पे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो स्टेजें होती है वहाँ पे इसका यूज होता है, वो ऐसे ही यूज होता है। इतनी प्यारी मैट आप अपनी डेकोरेशन के लिए बना सकते हो। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इस तरह की मैट बनाना सीख सकते हो। अभी मेरी वीडियो के एंड तक बने रहें क्योंकि इसमें बहुत सारा भी काम बाकी है। गाइस आगे मैं इसमें इस तरह की फॉर्म यूज़ करने वाला हूँ, आप इस तरह की फॉर्म यूज़ कर सकते हो। यह फॉर्म आपका 3x6 का फॉर्म आता है जो काट काट के हमें इसे 3-3 इंच का काट काट के इसे इस तरह से बनाते हैं। आप भी अपनी डेकोरेशन के लिए बना सकते हो। जैसा कि गाइस आज मौसम बहुत ही ख़राब है, और आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी एक वीडियो बना रहा हूँ, और मेरी वीडियो के एंड तक बने रहें। इस तरह के आपके लिए स्प्रे पत्ते आते हैं जो आप मार्केट में आपको 120 या 130 रुपए के दर्जन के हिसाब से आपको मिल जाएंगे। आप कोई भी कलर इसमें लेके आ सकते हो, और अपनी डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हो।
जैसा कि गाइस मैंने अपने फ्रेम में इस तरह का बुका बना के आपको दिखा दिया, आप भी इस तरह का बुका अपनी स्टेज में यूज कर सकते हो और बना सकते हो। और बहुत ही प्यारी आज डेकोरेशन होने वाली है, मेरे डेकोरेशन के एंड तक बने रहें। जैसा कि गाइस आपको इस तरह का पोर्ट दिखाई दे रहा होगा, आज मैं अपनी डेकोरेशन में इस तरह का पोर्ट यूज करने वाला हूँ। अगर आपके पास कोई भी और भी पोर्ट हो तो आप उसे भी यूज कर सकते हो। आज मैं इस वाले पोर्ट को यूज करने वाला हूँ। अगर इस वाले पोर्ट की प्राइस की बात करो तो आपको 2500 से 3000 के बीच में आपको मिल जाएगा। इससे महंगे भी पोर्ट आते हैं, इससे सस्ते भी पोर्ट आते हैं। आपको जैसा उचित लगे आप अपने लिए, अपनी डेकोरेशन के लिए इस तरह के पोर्ट खरीद सकते हो। इसे इस्तेमाल करने के लिए हमें इस तरह की फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। आपको मैंने बता दिया कि इस तरह की फॉर्म मार्केट में 3x6 का आता है, जो आपको 400 रुपये का पर पीस के हिसाब से मिल जाएगा। उसमें से आपको 1x1 का फॉर्म काट के इस पर यूज कर सकते हो। जैसे कि गाइस आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरह का बुका बनाना मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया है, आप वहाँ से मेरा वीडियो देख के इस तरह का बुका बनाना सीख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से वीडियो देख के इस तरह का बुका बनाना सीख सकते हो। बहुत ही आसान होता है इस तरह का गुलदस्ता इस वाले पोर्ट में यूज करना। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अभी एक एक बुक्का आप एक एक फॉर्म में लगा सकते हो। एक फॉर्म में करीब 4-5-6 बुक्का आप आराम से लगा सकते हो। जैसा कि गाइस मेरी स्टेज बनके कंप्लीट हो चुकी है और मुझे आशा है कि आपने बहुत कुछ इस वीडियो में सीखा होगा। और मेरे चैनल पे बनने के लिए धन्यवाद। आगे भी मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी जानकारी स्टेज की लेके आता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस तरह की मैट बनाना सीखना चाहते तो मेरे चैनल पे इसका वीडियो अपलोड है, वहाँ से आप इस तरह की मैट बनाना सीख सकते हैं। इसमें आप कोई भी कंडीशन दे सकते हो या कोई भी डिजाइन इसमें दे सकते हो, कोई भी इसमें फूल इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही कम समय में इस तरह की स्टेज आपको डेकोरेशन कर सकते हो। इस वाले पोर्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 3000 का पोर्ट आपको बहुत ही अच्छा मार्केट में मिल जाएगा या कम प्राइस में भी आपको मिल जाएगा। बहुत ही प्यारा हमारा स्टेज निकल के आया। आप इस तरह का बैकड्रॉप में इस तरह का आप बुका भी बना सकते हो। बहुत ही प्यारा इस तरह का बुका लगता है। जो कुछ आपको समझ में नहीं आया होगा वो मुझे कॉल कर सकता है। जो मैंने यह स्टेज बनाई है उसके बारे में आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं और कॉल कर सकते हैं और मैं आपको फुल डिटेल में जानकारी दूंगा। बहुत ही प्यारी हमारी स्टेज निकल के आई है। आप यहाँ पे जयमाला वाला स्टेज जोड़ा रख सकते हो और बहुत ही प्यारी स्टेज है। आप भी अपनी डेकोरेशन के लिए इस तरह से स्टेज बना सकते हो। आगे भी मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी डेकोरेशन की जानकारी लेके आता रहूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार जी।